हेलो 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 बोल दे हेलो तो हेलो हाय नमस्कार और पहला आप सभी को मेरा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो नम्मू और मैं छत में नहाने के बाद धूप सेक रहे हैं और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सुंदर से गांव कपकोट से। और मेरा नाम है तारा, आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंडी मॉम स्टूडियो में। तो आपसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि मतलब नाम और अपने गाँव का नाम बोलूँगी लेकिन भूल जाती हूँ, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। और बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि पहाड़ी में ही बोला करो, तो मेरे बाहर के जो सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में कम आएगी, तो मैं बीच बीच में अपनी दनपुरिया वाली पहाड़ी भी बोलते रहूँगी आप लोगों के लिए। तो बनी रही वीडियो में, आज दिन भर जिले होला तमिल तगड़ शेयर कर जाल। और हम मी और नमो घाम तापड़ियों नया नई बात फिलहाल नाश्ता वगैरह कर है, तो मौसम बढ़िया जो है रो और नमूले छुट्टी लग गया और तो गर्मी ने छुट्टी लगा तो एक महीने में कर परेशान कर लिया और तो ये का होमवर्क कर करो हूँ और दुकान में चल लो आप सीधा की हूँ बकाई ना। चलो भाई जानो दुकान में चलो। तो नमो ने यहाँ पे आते ही अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया है, अब पूरा होमवर्क कंप्लीट करेगा ये हॉलीडे वाला, फिर घूमने जाएगा ना नमो। हाँ दुकान में दीपा दीदी आ गए और अपने कारोबार लग गए हैं, ये गले वाले छांट रहे हैं जो जो सूट में लगाने हैं। आज प्रेमा दीदी भी नहीं आएगी और मंजू भी नहीं आएगी क्योंकि वहाँ से एक भैया देख रहे हैं, वो भी ब्लॉग देखते हैं। आजकल तो जितने हैं सब देखते हैं तो मेरे को ऐसी शर्म जैसी आती है। तो प्रेमा दीदी और मंजू नहीं आएंगे, वहाँ से दुकान से कोई भैया देख रहे थे। आजकल इतने ज़्यादा लोग ब्लॉग देखते हैं मेरे, सब बोलते हैं दुकान में आके, ये भी बोलते हैं दुकान में आके ऐसे बोलते हैं ब्लॉग में तुम मोटे दिखते हो ऐसे में पतले हो करके, तो पता नहीं। तो मेरे को लगाने हैं बहुत सारे प्रेस क्योंकि दोनों नहीं आ रहे हैं, तो दीपा दीदी के लिए तो कटिंग बहुत है। मंजू दीदी के वो मंजू का उसकी बेटी का वो करना कागजात बनाने हैं क्योंकि वो हिम ज्योति जो स्कूल है देहरादून वहाँ के लिए निकल रखी है वो, तो उसमें बहुत सारे कागजात बनाने हैं। और प्रेमा दीदी के आ रहे हैं मायके से कोई, तो मैं अपना प्रेस स्टार्ट करती हूँ। टाइम देखो 1 बज गया है, तो फिर हाल 1 बजे मिल रही हूँ इतने सारे प्रेस करने के बाद। दीपा दी घर चले गई और पीछे चक्की लगा रखी है और खाना खाने का भी टाइम है और गेहूँ भी लगाए हैं, बस इतने से प्रेस करने में मेरी जैसी हालत हो गई। और इसके बीच सब्सक्राइबर आए थे मिलने, तो उनसे भी मिली, काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं और अब चलते हैं घर को, चक्की का काम भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे अजगर लेटा है हमारे यहाँ, हेलो। तो देखो दोस्तों ऐसे हाल है इसके, ये आज मैंने बड़ा कंबल छुपा दिया यहाँ से, बस टीवी में है ये इसका ध्यान। होमवर्क पता नहीं कितना किया इसने, पूरा हो गया हिंदी का, अब देखेंगे फिर। तो ऐसा हुआ रहता है मतलब पूरा बिस्तर एक करे रहता है, मैंने आज बड़ा कंबल छुपा दिया तो ये छोटा लेके आया, आज फोल्ड करना इसे। हाँ क्या, तो दोस्तों दिन का भयंकर सा धूप है, खाना खाते हैं, ये देखो ऐसा हाल है। तो जी खाना भी खा लिया, कपड़े उठा लिए, अब चलते हैं कमरे की तरफ। इसका फिर से मतलब आते ही कंबल के अंदर अजगर बन गया है, फिर से पिक्चर आधा पॉज करके गया था क्योंकि पिक्चर में ऐसा ध्यान हो रखा है इसका, अब क्या बताऊं। इन दिनों से गेम वाले चैनल देख रहा था, आजकल पिक्चर देख रहा था, पता नहीं एक छोटा सा बच्चा है उसके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं मतलब हमारे घर का जैसा हाल हो रहा है, तो उसके बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके बाद जा रहे हैं मम्मी लोग कैंटीन, और आजकल भराड़ी के आगे खाई बगड़ में है कैंटीन, खुलने से बहुत बढ़िया हो गया क्योंकि अब बागेश्वर जाने का, अब दिन के टाइम शाम के टाइम कभी भी जाओ, बागेश्वर क्या होता था सुबह ही 4-5 बजे उठ के जाना पड़ता था नंबर लगाने, अब यहाँ है जिससे मत जाओ हो जाता है, तो हम तो करते हैं आराम, बस इसके टीवी के हल्ले से कैसे होगा फिर। सोता तो नहीं है, बस हम उठ गए हैं और ये
तरबूज में लगा है घपा घप घपा घप। पिक्चर देख लिया इसने आज दिन के दो। बॉक्सिंग को भी गर्म हो गया गैलरी में। मैं हार्ड डिस्क ले जाके और उसमें कुछ देख रही हूँ। मम्मी लोग भी कैंटीन से आगे देख के आते हैं। तो मम्मी ने तो आके कपड़े भी चेंज कर लिए। ये देखो इसमें भर भर के सामान लाए। खाली जाना आना हुआ, इतनी भीड़ थी, बस बहुत थी। सुबह जाना है बोल 5 बजे। अच्छा चलो, नया नया खुला है ना, तब हो रहा है वो ऐसा। ये वाली सूट में बहुत गर्म होता है इसमें। आरू के मजे लिए जाए तो मस्त सा आरू है ये। अरे नीचे ताऊ जी से बोल के आते हैं। हेलो 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 हाय वाल। अरे मिशी कुड़ी तमी आ ठाड़ करो यो गए फिर हेलो कहो यो गए यो इस आ यो का ठाड़ करो फिर हेलो यो के हेलो कहो दुए हुए हेलो खबर ले हेलो दीदी चाय बना रही है अपने मम्मी और सास के लिए। तुमने कहो हेलो कहो क्या कहना चाह चाय बनाना है। अच्छा काम है काम ही काम थोड़ा चलो हेल अरे तुमने हेलो कहो आलू आलू अरे चल हेलो हेलो राहुल यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल वीडियो। तो दोस्तों मैं नन्नू को पहुंचाने जा रही हूं नीचे। वो बोल रहा है नन्नू के साथ खेलता हूं क्योंकि बोर हो जा रहा है। मयंक लोग चले गए हैं घर, मयंक भानु, तो इसको वहां पहुंचा देती हूं, वहीं खेलते रहेगा। आ जा नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं तेरे को पहुंचाऊंगी और आ जाऊंगी। ढीठ मतलब ढीठ क्या, लोगों में जाना होता है लेकिन बात नहीं करनी होती इसको लोगों से। अरे इतना ऐसे जंगली वाला कैसे हो गया ये, मेरे को समझ में नहीं आता है। इसको लोगों के साथ तो जाना है लेकिन उनसे बोलना नहीं है। मेरे को रहना पड़ेगा वहां पे तभी बोलेगा। घर में कोई नहीं है, घंटी बजा दे, बेल बजा के आ गया। इसने तो तरबूज खाया, मैं आरू खा रही हूँ। वहां पहुंचने से पहले खत्म करना है फटाफट फटाफट। क्यों? अरे बच्चे बोलेंगे मेरे को भी दो, मैंने लाई नहीं हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे ना विधायक जी का कमरा है, उनकी वाइफ भी वीडियो देखते हैं मेरी और ना, तो भी दिखा रही हूँ। आजकल नहीं है शायद, चालू लगा है, वो गए हैं कहीं। और ना हाँ, वहाँ पर ऐसा लिखा है हाँ, कृपया अपने चप्पल और जूते वहाँ छोड़ के जाओ। हाँ, तो फिर विधायक जी का घर है फिर वो, तो वहाँ पर रहते हैं। इसके नीचे ऑफिस है, तो वहाँ पे बाहर से बोर्ड चिपका है कि अपने जूते चप्पल बाहर उतार के जाए। अभी हम चल रहे हैं नीना दी के घर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो। सिपो माइके में भी बैठने नहीं दे रहे हैं हैं, माइके में भी परेशान कर रखा है माइके में तो हाथ पड़ी है वो। वही तो यार, ससुराल में तो ऐसू ऐसू में रह गए। मैंने सुना आज पहली बार कैंटीन गए लेकिन वहाँ भीड़ हो गई तुरंत वापस आया और किराया 200 रुपया दिया। अच्छा ओ बुकिंग में गए थे इससे अच्छा तो बागेश्वर जाते 200 रुपए में। बागेश्वर भी घूम गया लेकिन गर्मी में चलो ठीक है ना, नजदीक में है तो अच्छा। 100 रुपए का तो घर में पहुँचे ना। तो दोस्तों ये लगा रहे हैं फटियाव हमारे पहाड़ी भाषा में। 1 2 3 स्टार्ट करो। हमारे पहाड़ी भाषा में कुंदन के फटियाव लगोन, तो ये फटियाव लगोन में यश हो कि गेहूँ वहाँ पर रह जाते हैं और उसके जो कूड़ कट कट है वो दूर तक उड़ जाता है, तो इससे आसानी हो जाती है गेहूँ साफ करने में। चुको काम पे लगा दिया यहाँ। और ये देखो पहाड़न मुन्नू का कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है। अरे मुन्नू बधाई हो, आने वाला है। मजे हो रहे हैं लेकिन मेरे को है दुकान में जाना। मैं चलती हूँ यहाँ से, बाय बाय, फिर आऊंगी शाम को नम्मो को लेने। अभी चलते हैं यहाँ से। ओके बाय। आज मैं ऐसी लोफर
दीपा दीदी अकेले है यहाँ पे, आरडी वाले को पैसे बोर होगी बहुत ही ज़्यादा लाइट भी ऑन नहीं कर रखे, तो आरडी वाले भैया हैं सामने, उनको पैसे नहीं दिए बल। जीते रहो खुश रहो। देखो राधा आई है और शाम की चाय चल रही है सबकी। अरे सबको कह दिया क्या प्रणाम? अभी अंधेरा हो रहा, कल दिखाएंगे अच्छे से। अच्छा राधा से चलो, उसको शाम का समय है, अभी यहाँ चलते हैं। राधा आई है ना मायके, तो वहाँ ले चलती हूँ, घर का किचन का काम कर दिया है, बस अब ले चलते हैं यहाँ। तो यहाँ मालिश हो रही है छोटू की। छोटू ये देखो राधा अपने अड्डे में, तो ये राधा का कमरा हुआ करता था पहले। कुछ नहीं मिला मुझे पता है। कैंटीन मामी लाए होंगे सबसे ज्यादा कैंटीन का सामान आज। बहुत मैंने बात की नए कैंटीन मेरे को जल्दी जल्दी आ रही है, सूट खोल दिया मेरे खाली कैंटीन का। देखो निन्नु आ गया नाला धुला के मालिश करके। दुद्दू कलो भी निन्नु आएगी। तो दोस्तों बच्चे ना बिस्तर की हालत ऐसे करे रहते हैं, तो वही ये ठीक करा था मेरे को अंदर आते ही डांटे के करके पता चला ना। तो राधा भी आई है और बच्चे के वहां से भी थोड़े से मिलके आ गए, अब आ गए कमरे में। थोड़ा सा इसका होमवर्क कराती हूँ, दिन के धोए हुए कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, बाकी अपना हाथ मुंह धोऊंगी। मुंह में थोड़ा थोड़ा वो जैसा दिख रहा होगा आपने, आइस क्यूब बनाया है उसको ही लगाया था मैंने। थोड़ा सा आंखों में जलन हो जाती है ना फोन में ज्यादा देखने एडिटिंग के समय, तो वो आइस क्यूब लगाती हूँ मैं, थोड़ा आइस क्यूब बनाया। क्या हो रही है तेरा? तो आंख में पता नहीं क्या गया है कचरा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय एंड गुड नाइट।